गाइस, मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। आज हमारे सामने जो खबर आई है उसको देख के, उसको सुन के आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि ये जो मामला है वो एक ऑपरेशन थिएटर और एक डॉक्टर का है। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर ने एक्चुअली मरीज के पेट में ही तौलिया और उसके साथ बैंडेज छोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। बागबान के जिला हॉस्पिटल से हमारे सामने ये मामला आ रहा है, जहां पर एक एक्चुअली पीड़ित जो महिला है वो वहां पर पहुंची और उसके पेट में एक्चुअली एक पथरी थी, एक स्टोन था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा तकलीफ झेल रही थी। और उस दौरान जब वहां पर पहुंची, पहुंचने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया और टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि उनकी जो पथरी है उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जिसके कारण वो लोग मान गए ऑपरेशन करवाने के लिए। और वहां पर जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा था और ऑपरेशन तो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हुआ, और उस दौरान जब पेट को क्लीन किया जा रहा था उस दौरान वहां पर उस महिला को हॉस्पिटल में 5 दिन के लिए रखा गया। 3 दिन लगातार उसको टैबलेट्स दी गई, पर उसका पेट का दर्द काफी ज्यादा बढ़ रहा था। पर टैबलेट्स देने के बाद उसको 5 दिन के बाद वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। पर लगातार 2 महीने तक उसका ऐसे ही टैबलेट्स के सहारे जो सब चीज ट्रीटमेंट चल रहा था, पर वो महिला बार बार बोले जा रही थी कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उसका जो पेट दर्द है वो कम नहीं हो रहा है। तो आखिरकार वो दिल्ली में गए, दिल्ली के एक हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल का नाम है हिंदू राव हॉस्पिटल में जब वो पहुंचे, तब वहां पर जाके डॉक्टर को बताया गया कि उनके पेट में पहले कुछ 2 महीने पहले एक्चुअली एक पथरी का, एक स्टोन का ऑपरेशन हुआ था उनके गांव में, और उसी दौरान ये पेट दर्द और भी ज्यादा आ गया। तो उन्होंने जब एक्चुअली एक्सरे वगैरह करवाए एक, तो पता चला कि उसके पेट में टॉवल और बैंडेज है। तो ये चीज देख के वहां के दिल्ली के हॉस्पिटल वाले जो काफी ज्यादा हैरान हो गए, और उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि अभी ये दोबारा से ऑपरेशन करके इसे टॉवल और बैंडेज को निकाला जाएगा, जो कि उन्होंने कर भी दिया। और करने के बाद वहां पर वो महिला काफी ज्यादा वो ट्रीटमेंट ले रही थी, और उसका नाम है बेगम निशा, और वो 40 साल की थी और वो ट्रीटमेंट ले रही थी। ट्रीटमेंट लेते लेते उसकी मौत हो गई, जिसके कारण बोला जा रहा है कि 2 महीने तक लगातार उसके जो पेट में टॉवल और बैंडेज था वो काफी ज्यादा गल चुका था, जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी में इंफेक्शन फैल गया था। इंफेक्शन के कारण उसकी वो बच नहीं पाई। अभी ये बोला जा रहा है कि जब उसकी मौत हुई है उसके बाद उनके परिजनों ने काफी ज्यादा हंगामा मचा दिया है, और अभी इस केस के ऊपर काफी ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जा रही है, और उस डॉक्टर से भी पूछताछ की जा रही है। और अभी पुलिस ये बोल रही है कि अगर ये सब चीजें एकदम क्लियर रही और ये यहाँ पर डॉक्टर आरोपी निकला तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आई होप गाइस आज की जानकारी आपको हमारे थ्रू से अच्छी लगी होगी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हुए जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एच न्यूज़।